गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ लुषा वर्मा, आप लोग देख रहे हो मेरा ब्लॉग। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही मजेदार, क्योंकि आज हूँ मैं घर में अकेली। घर में कोई भी नहीं है, मतलब मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, वो लोग सब लोग हिमाचल गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और वो लोग गए थे सुबह 6 बजे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं सो रही थी, बोलते उठ उठ, मैं उठी, बोलते हम लोग जा रहे हैं, मतलब मुझे तो पता था जा रहे थे, कल क्या पता मुझे। फिर मैंने उठी, मैं वो लोग ऐसे गए, मैंने दरवाजा बंद किया और मैं अंदर आई और मैं फिर से सो गई। मुझे लगा कि अब वो जा रहे हैं तो मैं अकेले घर में क्या करूंगी, तो फिर मुझे लगा कि सोना इज द बेस्ट थिंग जो मैं कर सकती हूँ घर में। तो मैं 6 बजे उनको जब वो गए तब सोई, और अब टाइम हो रहा है 12:30, तो मतलब मैं तब से सो ही रही हूँ। यार मैं कितनी कुंभ करूँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। चलो कोई बात नहीं, तो फटाफट से आज देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज पूरा घर जो है ये मेरा है, मैं यहाँ की रानी हूँ। और ये घर, आज इस घर में वही होगा जो ये राजकुमारी, जो ये रानी जो है वो डिसाइड करेगी। कोई भी तीसरा बंदा इंटरफेयर नहीं कर सकता आज मेरी बात के अंदर, और इस घर के ऊपर मेरा हुक्म चलेगा आज बस, और किसी का नहीं। तो चलो फटाफट से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि हम लोग आज क्या मस्ती कर सकते हैं। पहले मैं चादर ठीक कर देती हूँ, वरना मम्मी आएगी और मुझे डांटेगी कि तू इतना भी नहीं कर सकती। तो एज यू कैन सी, मैंने अपने बेड को साफ कर दिया, बिल्कुल सेट करके रख दिया। अब मैं चलती हूँ बाहर और देखते हैं कि आज हम क्या कर सकते हैं। देखो करना क्या है, यहाँ पे सफाई कर करके मेरी बस हो जानी है अब तो। पहले मुझे फटाफट से थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी घर पे आएगी और देखेगी कि मैंने कुछ भी साफ नहीं किया, तो फिर हो सकता है कि वो मुझे ही साफ कर दे। तो इससे पहले कि वो मुझे साफ करे, मैं घर ही साफ कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सफाई कर देती हूँ, ताकि मस्ती करने के लिए मज़ा आए। ऐसे गंदगी में मस्ती करने का भी मज़ा नहीं आता, तो फटाफट से थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी मुझे। कि मैं अकेले घर पे होंगी तो मजे करूंगी, कूदूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, ऐश करूंगी, पर अभी मम्मी का फोन आया था कि बेटा कुछ मत करना, बस झाड़ू और पोछा लगा देना। मतलब क्या करूं, मैं अकेले भी नहीं जीने देते मुझे यार। जब घर में तब तो काम करा के भाइयों की तरह मेरा बुरा हाल करता है, जब बाहर जाते तब भी मुझे फोन करके बोलते हैं कि घर की सफाई कर देना। यही जिंदगी है मेरी, बस यही जिंदगी है मेरी, क्या करूं मैं। पर बहुत परेशान हूं मैं। एनीवेज जितना मर्जी परेशान हो, हर बच्चा अपने घर में परेशान होता है सफाई कर करके, पर करनी तो पड़ती है ना। अब घर का टेम्पर टूट गया मेरा सीना, मेरा धड़कन, मेरे फेफड़े बाहर आ गए, जैसे फोन नीचे गिरा, मुझे लगा गया, बच गया, बस टेम्पर टूट गया थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा टूट गया। चलो कोई बात नहीं, मैं ये कवर की वजह से हो रहा है, मैं ये निकाल ही देती हूँ। यार फोन नीचे गिर जाए ना, बंदे की जान निकल जाती है। अगर मेरे फोन को कुछ हो जाता ना, तो अभी मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाती। तो अब मैंने फोन ऐसी जगह रख दिया कि अगर यहाँ से गिर भी जाएगा तो बेड पे ही गिरेगा, टूटेगा नहीं। यार मेरा तो सीना बाहर आ गया, मेरी किडनी फटफटाने लगी, फोन गया। और अब मम्मी घर आते ना, देखते ना फोन तोड़ दिया इतना महंगा, तो मेरी तो मुझे सच में ही हॉस्पिटल जाना पड़ता, पर शुक्र है भगवान की कृपा से बच गया। अब फटाफट से सफाई कर लेती हूँ, वरना मेरे अभी मेरे साथ। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत अच्छा गाना, जो कि लिखा है लुषा वर्मा ने। धन्यवाद, आप क्लैपिंग कर सकते हैं मेरे लिए। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा, 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 एक बार आ जा, 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 आ जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा, 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 हो आ जा, हो आ जा, आ जा, 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 हो आ जा।
कैसा लगा आपको मेरा गाना आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अब वक्त है पोछा मारने के लिए, बोला था मैंने पोछा नहीं मारना, पर यार मेरा मन नहीं है पोछा मारने का। तो अब मेरा टाइम है योगा करने का, उसके बाद मुझे नहाना भी है। मेरे सिर में बहुत सारा तेल लगा रखा है एज यू कैन सी, तो मुझे नहाना है, सिर धोना है। आज मेरा हेड वॉश का डे है, तो मैंने कल तेल लगाया था, तो आज मुझे हेड वॉश करना है, तो उससे पहले मुझे योगा करना है। आहा, बस फोन ना गिरे, बाकी सब ठीक है। ये योगा मैट मम्मी ने अपने लिए मंगवाया था योगा करने के लिए, पर मजाल है एक बार भी योगा किया हो इस मम्मी ने, एक बार भी नहीं किया, बस पैसे जला दिए। अब ये मेरे काम आ रहा है वैसे, क्योंकि अब मैं रोज योगा करती हूँ। अब ये मैं यूज करती हूँ, मैं कैमरे में आई नहीं थी, तो कैमरे में आना बड़ा मुश्किल काम है यार। ट्राइपॉड सीधा करते रहो बैठ के। चलो चलो नीचे चलो। तो अब मैं आ रही हूँ, अब मैं आ ही रही हूँ, बस भगवान करे मैं आ गई। तो ये रहा मेरा योगा मैट। तो आपको ऐसे यहाँ बैठना है श्रद्धा पूर्वक। यार मैं घर पे आके मेरा वेट 10 किलो बढ़ गया, इसलिए मैं रोज रोज योगा करने स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि यार वेट बढ़ना अच्छी बात नहीं है, हाथी बन जाऊंगी मैं पूरा, और मुझे जेठालाल वाले हाथी नहीं बनना, मुझे पतला रहना है, बबीता की तरह पतला रहना है। चलो अब बिना बकवास किए फटाफट शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे प्राणायाम, प्राणायाम ठीक है। ऑलरेडी 12:30 हो रहे हैं और मुझे खाना खाना है बस, तो मैं इसको छोड़ के आती हूँ, फिर फटाफट से नहाने जाती हूँ ठीक है। सो गाइस योगा करने के बाद मैं तो पानी पानी होगी, पसीने पसीने से पूरी शर्ट गीली हो, क्योंकि मैंने पंखा नहीं लगाया था ना इसीलिए। अब ये मैं बोलना है कि योगा तो किया नहीं, थोड़ा सा किया है, तो आप पानी कैसे हो गए, कैसे पसीना आ गया, तो वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने पंखे वगैरह सब कुछ बंद किया था तभी मैं कर रही थी, तो उसकी वजह से ज़्यादा स्वेट आता है। मैं फटाफट से नहा के आती हूँ यार, मेरे को बड़ी गर्मी लग रही है, ऊपर से तेल लगाया और ज़्यादा चिपचिप हो रहा है, तो मैं फटाफट से नहा के आई। आप करो वेट ओके, 1 2 3 टंटना। मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने कंघी भी थोड़ी थोड़ी कर ली अपने बालों में, मतलब मैंने बाल छिड़क के उनकी थोड़ी कंघी कर दी, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो कि मेरे बाल जो है गीले गीले लग रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ अभी पानी है बालों में, तो सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब मेरे को लगी है बहुत तेज भूख, भूख जो होती है ना भूख वो लगी है, तो मुझे मम्मी सुबह 6 बजे तो कुछ बना के गई नहीं होगी, तो मुझे बनाना पड़ेगा। पापा ने मुझे फ़ोन करके बोला था, सुबह नहीं बोल के गए पर फ़ोन करके बता रहे थे कि ब्रेड रखा है वो मतलब तल के, या फिर जैम लगा के, जैम क्या क्या, कभी कभी मुझे लगता है मैं तोतली हूँ यार, जैम तो मतलब ज़्यादा तल लो या फिर जैम लगा के आप खा लेना चाय बना के, तो चाय तो मेरी फेवरेट है। तो क्योंकि मैं मोटी हो रही हूँ तो मैं फ्राई नहीं करूँगी, मैं सिंपली खा लूंगी यार चाय के साथ ठीक है, और कम शुगर के साथ। चलो फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं एंड उसको खाते हैं, क्योंकि मेरे पेट में उछल रहे हैं बिल्ली, चूहे तो बहुत छोटी चीज है ना, बिल्ली उछल रही है।
चाय एंड टोस्ट। थक तो नहीं गया? थक गया? बोल रहा है मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे ऊपर से कृपया हट जाए। तू मेरा बाहर नहीं सह सकता है? बच्ची हूँ ना मैं तेरी, तुझे बचपन से मैंने पाला है, ठीक है? तो तुझे मेरा भार उठाना पड़ेगा। तू ज्यादा बकवास मत कर, ठीक है? मैं तो जब तक मेरा मन करेगा मैं इधर ही बैठूंगी। ओके, यू हैव एनी प्रॉब्लम? हैव यू एनी प्रॉब्लम? है गुगु? तो इसका नाम है गुगू। ओ गुगू, गुगू, हमें गुगू, गुगू। तो अब ये मुझे बोल रहा है कि हट जा बहन, कि मेरी जान लेके मानेगी। चल हट जा तू, चल। तो मैं हट गई और बेचारी की कमर दबा दी मैंने पूरी, देखना इसे कमर देखना, ऐसे हो बेचारी। पहले इतनी थी, अब इतनी होगी, कोई इस कॉलिंग नहीं। फिर तो मुझे ना किसी का फ़ोन नहीं आता, मुझे सिर्फ कंपनी वालों का फ़ोन आता है। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी। चलो कोई बात नहीं, चलो एक फ़ोटो खींच ली जाए। क्या कर रही है? मैं तो बोर ही हो गई यार, अकेले रहना भी बड़ा एक मुश्किल टास्क है। बट आई एम ऑलवेज वेरी गुड इन एवरी टास्क एंड आई एम मल्टी टैलेंटेड, बट स्टिल आई डोंट नो एनीथिंग, बट आई एम वेरी टैलेंटेड। पीपल नो माई टैलेंट बट दे ऑलवेज इग्नोर मी, आई डोंट नो वाई, बट वन डे आई विल इग्नोर दैम एंड फॉर श्योर, फॉर श्योर। नहीं, नॉट एवरी पीपल, आई विल नॉट इग्नोर एवरी पीपल, बट दोज पीपल हु इग्नोर मी आई विल इग्नोर दैम वन डे एंड राइट माई वर्ड्स इन कॉपी सो दैट यू डोंट फॉरगॉट दैट, ओके? सो प्लीज इग्नोर माई इंग्लिश, because my English is very good, it is not for you, it is for those people who are very intelligent, so they can only understand my language. Everyone and every normal person not able to understand my English, so just ignore this. भूख लग रही है और अब मैं पीऊंगी पानी। ठंड बढ़ गई कलेजे में, ठंड बढ़ गई। बड़ी मम्मा, हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। यस यस, आप बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर। सो बाय गाइस, बस आज के लिए इतना ही, बाकी ब्लॉग्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू, टाटा।